छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जगदलपुर के लालबाग मैदान में तिरंगा फहराया। इसके ठीक बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। मंच से सीएम साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ के विकास और यहां के लोगों के कल्याण से जुड़े कार्य में आगे बढ़ चुकी है। प्रदेश सरकार अपने हर वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला, युवा समेत समाज का हर वर्ग उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए उनकी सरकार राज्य में महतारी वंदन योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। उनकी सरकार ने पिछले दिनों इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया था और सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। हमने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास के लिए पहले ही कैबिनेट में 18 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। निर्मल जल अभियान के तहत हर एक घर में पानी पहुंचेगा और जल्द ही ये लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि किसानों को जीवन ज्योति योजना के तहत निःशुल्क बिजली भी दी जाएगी और कैबिनेट की बैठक में इसके लिए 1123 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत कर ली गई है। नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएंगे। इस तरह से हम देश में हर बेघर के सिर पर छत देने के लक्ष्य को पूरा करने में भी अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री आवास के साथ हमने घर घर निर्मल जल अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। निर्धारित लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी है। आपको याद होगा कि कृषक जीवन ज्योति योजना हमारी पूर्ववर्ती सरकार की देन थी, जिसने किसानों के जीवन में बहार लाई थी। निशुल्क बिजली प्रदाय से उनकी सिंचाई सुविधा और उत्पादन क्षमता में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। सरकार बनते ही हमने इस योजना की समीक्षा की और पाया कि किसानों को निशुल्क बिजली देने की यह व्यवस्था बहुत कारगर साबित हुई है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1123 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।